नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपनी रसोई में। और दोस्तों, आज हम बनाएंगे समोसे, जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और आपको फाइव तरीके से यानी पांच तरीके से बनाकर बताएंगे, जो बनाने में बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है ज्यादा। अब हम इसको थोड़ा सा और मसल लेते हैं और इधर हमारी फीलिंग भी ठंडी हो गई है, थोड़ा सा अच्छे से और मसलना है। और मसलने के बाद हम लोई काट लेंगे, नहीं है और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है। तो देखिए, मैंने इस तरह से सारी पूड़ियां बना के तैयार कर ली हैं। अब हम बताएंगे आपको कि डिफरेंट तरीके से किस तरह से आप समोसे को फोल्ड कर सकते हैं। तो पूड़ी को इस तरह से आप दो भागों में कट कर लें। तो ये मैंने पूड़ी को कट कर लिया है। अब हम इसमें पानी लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से इसमें एक फोल्ड लगाएंगे और फोल्ड लगाने के बाद अंदर से उंगली में इस तरह से इसको दबाएंगे। आलू की फिलिंग भर देते हैं। फिलिंग भरने के बाद हल्का सा अंदर इसको पुश करें, फिर से किनारियों पर पानी लगाएं। सबसे सिंपल तरीका बता रही हूं। सबसे पहले इस तरह से इसको किनारी को इस तरह से इसको दबाते हुए मरना है और समोसा हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम दूसरा बनाकर बताते हैं। तो दूसरी पूड़ी में भी हम इसी तरह से इसमें पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद इस तरह से इसमें एक फोल्ड मारेंगे, जैसे उसमें मारा था। तो फोल्ड हम उसी तरह से, सेम तरीका वही है। और किनारी को आलू भर लेंगे। आलू भरने के बाद किनारियों पर इसमें भी अच्छे से पानी लगाएंगे। अब देखिए, इसको मैं किस तरह से फोल्ड करती हूँ। यहां से इसको इस तरह से दबाना है। तो ये रहा मेरा दूसरा समोसा, दूसरी तरीके से बनाकर बताया है। अब चलते हैं हम तीसरा बनाकर बताते हैं। तो सेम पूड़ी उठाई है, किनारी पे मैंने पानी लगा दिया है। पानी लगाने के बाद इसको भी उसी तरह से फोल्ड मारनी है, जैसे मैंने उन दो समोसे में मारी है। और यहाँ पे दबाना बहुत जरूरी होता है, ताकि ये तेल में खुल ना पाए। अब इसमें भी आलू की फिलिंग डाल लेते हैं। को ये तीसरा तरीका बता रही हूँ, इसमें भी अच्छे से पानी लगाना है और किनारियों पर फिलिंग अच्छे से भरनी है। और भरने के बाद आपको यहाँ से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ से फोल्ड करने के बाद दबा देना है। और दबा देने के बाद इस तरह इसको, तो ये हमारा तीसरा तरीका है फिलिंग भरने का, यानी समोसे को बनाने का। दोनों तरफ से इस तरह से दिखता है। अब मैं चौथा तरीका बता रही हूँ। उसी तरह से मैंने पानी लगाया है और इसमें फिलिंग अंदर से डाल दी है। अब किनारियों पे भी आपको पानी लगाना है, पानी जरूर लगाना है किनारियों पे, ताकि ये खुले ना। अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसको दोनों तरफ इस तरह से मोड़ना है और मोड़ के इसको अच्छे से इस तरह दबा देना है। पांचवा तरीका आपको और बता रही हूँ, जो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सारे मेरे तरीके आसान है। उसी तरह से समोसा भरना है और पानी लगाना है किनारियों पे, और लगाने के बाद इस तरह इसको अच्छे से चिपका देना है। और चिपका देने के बाद एक किनारा उठा के इसको यहाँ पे चिपका देना है और इस तरह से इसको अच्छे से पेस्ट करना है। तो देखा दोस्तों, पांच तरीके से मैंने आपको समोसे भर के बताए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो बिल्कुल आसान हो, मेरे लिए तो पांचों तरीके के समोसे बनाना आसान है। आप इसमें से जो अच्छा लगे वो ट्राई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। मैं
मैंने तेल रख दिया था और तेल जैसे ही गर्म हुआ मैंने दो समोसे डाल भी दिए हैं और इस तरह से मैं सारे समोसे को डाल देती हूँ। एक बार में ये अच्छे से सिक जाएंगे। अब हम इनको घुमाते हुए चारों तरफ अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से सेक लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया ये करारा हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं और चलते हैं प्लेटिंग करने। 5 तरीके के समोसे मैंने बना के तैयार किए हैं, सॉस के साथ सर्व किया है। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार जरूर पूरा वॉच करें और बनाकर ट्राई करें अपनी फैमिली के लिए। तो समोसे को एंजॉय करिए।